नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका ऑफिशियल सिलेबस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके फॉर्म कब आएगा, उसकी एग्जामिनेशन कब होने वाली है और कैसे हम इन बचे हुए दिनों में तैयारी कर सकते हैं उसकी, इन सभी चीजों पे आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस बार यानी वर्ष 2025 के अंदर सीयूईटी के थ्रू, चाहे वो बीएचयू में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपको ये कोड याद रख लेना है, आपका जो कोर्स कोड होगा TOQP11, ये आपको एकदम याद रखना होगा, क्योंकि जो LLB एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें जो आपसे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा उसमें जो सिलेबस आपको मेंशन किया गया है वो आपका सिलेबस रहने वाला है TOQP11, जो कि यहां पे हमने मेंशन भी किया है। इसी कोर्स कोड के थ्रू क्या होगा, इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया वहां, या फिर आप बीएचयू से अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो वहां पे आपको इसी कोर्स कोड के थ्रू जो इसका सिलेबस रहने वाला है वहीं से आपको एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और थोड़ा पेपर पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए सीयूईटी पीजी एलएलबी कोर्स की अगर बात किया जाए, तो इसका जो फॉर्म आने वाला है, एक्सपेक्टेड जो फॉर्म की डेट है वो आप मान के चलेगा कि जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, जनवरी में आपका आ जाएगा। ये लास्ट 2024 के अंदर ऐसा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम टेबल रहने वाला 2025 के लिए भी क्या होने वाला है, लगभग सेम रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म आया वो जनवरी के अंदर आ जाएगा और जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम जो आपका होने वाला है वो आपका मार्च के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर के अगर बात किया जाए तो वहां पे आपका 13 मार्च को एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। जनरली अगर देखा जाए तो 11 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी पीजी एंट्रेंस एग्जाम हुए थे सीयूईटी के थ्रू, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो फॉर्म आपका जो है वो जनवरी तक आ जाएगा और जनवरी की स्टार्टिंग वीक से ही आ जाएंगे, और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो मार्च के अंदर होने वाला है। ये दो बात आप यहां से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है, तो हम लोग सीधे ऑफिशियल सिलेबस पर चलेंगे। और जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि आपका जो कोर्स कोड है वो क्या रहने वाला है, जो सिलेबस रहने वाला है एंट्रेंस एग्जाम का वो TOQP11 रहने वाला है। तो अब हम यहां पे आ गए और देखिए जनरल पेपर TOQP11 हमने यहां पे डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करके आप भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। cuet.pg.samarth.ac.in पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, पूरे सिलेबस को, ऑफिशियल जो आपका सिलेबस रहने वाला है ये आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरल पेपर CUQP11 यही आपका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्कशन किया गया है। ये जो आपको सिलेबस दिया गया है ये 5 सेक्शन में रहने वाला, हम पांचों सेक्शंस को देखेंगे, किस सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक वहां पे आ रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो ये आपका सिलेबस रहने वाला, चलिए इसमें 5 जो सेक्शन है उसमें, उससे पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में भी देख लेते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया है। तो वहां पे देखिए दिया गया है यहाँ पे कि द क्वेश्चन पेपर विच हैव 75 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो 75 क्वेश्चन का रहेगा, और टाइम जो दिया जाएगा आपको ये याद रखिएगा 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी अगर कहा जाए कि 105 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन रहने वाला है, 1 क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 4 मार्क्स मिलेगा अगर आपने सही किया तो, किसके लिए करेक्ट अगर आपने आंसर दिया तो इसके लिए क्या होगा, आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो -1 का क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो वहां पे -1 हो जाएगा, और अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो वहां पे +4 है। यानी जो टोटल मार्क्स रहने वाला है, ये टोटल मार्क्स आपका क्या रहने वाला है, 300 मार्क्स का आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें आपने यहाँ पे समझा। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं आपको कि CUQP11 यानी सीयूईटी पीजी के अंदर एलएलबी के लिए कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं दी गई है। तो अब ये हो सकता है कि कॉलेज कोई एज मांग सकती है, पर यहां तक फॉर्म में जो दिया गया वहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया, यानी किसी भी एज का अगर व्यक्ति चाहे तो वो एलएलबी कर सकता है, यहाँ पे कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया गया है। सेकंड बोला गया, ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में इन 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सिलेबस ऑफिशियल मेंशन किया गया है, इन्हीं 5 सेक्शन से आपका क्वेश्चंस देखने को वहां पे मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये तो हर एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। लास्ट जो पॉइंट है, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है
वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। आपको वहां पे मीडियम चूज करना होगा और ये आप फॉर्म भरते टाइम ही चूज करेंगे। अगर आप मीडियम यानी पेपर जिस माध्यम में आप देना चाहते हैं, अगर आपने हिंदी चूज किया तो उसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज का पेपर होगा, यहाँ पे 5 सेक्शन में से जो आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज आपको उसी भाषा में देना होगा। अगर हिंदी का पेपर है तो उसको हिंदी में ही मिलेगा, आपको इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा लैंग्वेज। बाकी जो बाकी 4 सेक्शन आपको है, जीके जीएस हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं सिलेबस को, ठीक है, कि क्या आपका ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। पहला जो आपका था इसमें दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में देखिए इंग्लिश ग्रामर है आपका, इंग्लिश यूजेस एरर हो गया आपका, जंबल पैरा हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है सिलेबस, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते हैं तो वहां पे आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेना होगा। अगर आप BHU से LLB करना चाहते हैं तो वहां पे आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश लीजिएगा, तो वहां पे क्या होगा, आप दोनों ही जगह पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो अगर चाहें, अगर BHU को टारगेट कर रहे हैं तो वो हिंदी ले सकते हैं, वहां पे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि BHU में आपका आप या तो हिंदी ले सकते हैं या तो इंग्लिश ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही मार्क्स वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा लैंग्वेज का। तो ये अभी आपने देखा कि यहाँ पे इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो हिंदी का। हिंदी का सिलेबस में देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, हिंदी पाठ बोधन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या दिया गया है, हिंदी व्याकरण हो गया आपका, अशुद्ध प्रयोग हो गया, परिच्छेद पर उचित क्रम हो गया आपका, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य परिष्कार हो गया, पाठ बोधन हो गया, वाक्य की पूर्णता हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, समानार्थी एवं विलोम शब्द हो गया, मुहावरे और कहावतें, ये आपका हिंदी के लिए पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो लैंग्वेज हमने देख लिया, लैंग्वेज में या तो इंग्लिश ले लीजिए आप या तो हिंदी ले लीजिए, और उसका ये जो ये सिलेबस है पूरा, ये हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। दूसरा जो हमारा सेक्शन रहने वाला वो जीके जीएस का रहने वाला, तो आइए हम जीके जीएस के सेक्शन को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला दूसरा सेक्शन, ये हमारा क्या जीके जीएस का रहने वाला। तो जीके जीएस के सेक्शन में देखिए क्या क्या चीजें दिया गया है। दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसमें लिटरेचर आ गया आपका, हिस्ट्री आ गया आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पर्सनैलिटीज हो गई आपकी, स्पोर्ट्स हो गया आपके, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी हो गई आपकी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लीगल अवेयरनेस हो गया आपका, ट्रेड अवेयरनेस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो लीगल नॉलेज या अवेयरनेस है ये बहुत ब्रॉड टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे हिस्ट्री देखिए, इसमें एंशियंट मेडिवल मॉडर्न आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ठीक है, वो पूरा पढ़ना है हमको, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटीज होगी, लिटरेचर हो गया आपका, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, लीगल अवेयरनेस हो गया, लीगल ट्रेड हो गया, ज्योग्राफी कल्चर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे से इस सेक्शन को कवर करना होगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा था जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का था। तीसरा जो हमारा सेक्शन रहने वाला वो कंप्यूटर का रहने वाला, ठीक है, और कंप्यूटर का भी वेटेज अच्छा खासा है, वेटेज का भी हम लोग देखेंगे कि वेटेज कितना रहने वाला है इन सेक्शन से। तीसरा जो हमारा सेक्शन था कंप्यूटर बेसिक का, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर एब्रीवेशन है हमारा, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS वर्ड है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइसेस हो गया हमारा, इंटरनेट हो गया हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया हमारा, वेबसाइट्स हो गए, वेब ब्राउजर्स हो गए, कंप्यूटर वायरस हो गए, और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स है। ये आपका जो सेक्शन तीसरा हमारा है कंप्यूटर बेसिक्स में, ये आपके सिलेबस में रहने वाला, और यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। चौथा जो हमारा सेक्शन है जिसको हम लोग मैथ्स भी कह सकते हैं, क्वांट कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इसको दिया गया है क्या हमारा जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से इसको यहाँ पे दिया गया, लेकिन ये क्वांट कह सकते हैं, मैथ का ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए। पहला है हमारा इसमें क्लॉक्स हो गया हमारा, कैलेंडर हो गया, एवरेज सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा, प्रॉब्लम ऑन एज नंबर्स ट्रेन के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए टॉपिक कौन कौन से कवर किया गया है, तो यहाँ पे इसमें अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। LCM HCF है हमारा, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, पार्टनरशिप्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो इन प्रोपोर्शंस है,
सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स एंड क्रिस्टल्स है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम एंड वर्क भी है, टाइम एंड डिस्टेंस भी है, स्टॉक एंड शेयर्स हो गया हमारा, डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट्स हो गया हमारा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन हो गया, सेट्स एंड यूनियंस हो गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशंस हो गए, एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस ऑफ एरिया। ये जो आपके सिलेबस रहने वाला है, ये आपका मैथ यानी सेक्शन 4 में आपका मैथ ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। पांचवा और आखिरी जो आपका सिलेबस रहने वाला है, चौथा पांचवा सेक्शन जो हमारा रहेगा वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है। तो रीजनिंग में देखिए कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे। एक चीज अच्छा है सीयूईटी पीजे में कि वहां पे पूरा जो सिलेबस आपका पूरा मेंशन कर दिया गया, वो टॉपिक भी आपको मेंशन कर दिया गया है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा पांचवा सेक्शन है, इसमें क्या क्या बोला गया है, रैंकिंग टेस्ट दिया गया है, लीनियर्स दिया गया है, अरेंजमेंट्स दिया गया है, मिक्सचर मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स दिया गया है, सिक्वेंसिंग दिया गया है, स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स दिया गया है, कॉज एंड इफेक्ट्स दिया गया है, स्टेटमेंट्स अजम्पशंस दिया गया है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन दिया गया है, नंबर सीरीज, ब्लड्स रिलेशनशिप टेस्ट दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग इन्फ्रेंसेस दिया गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया आपका, सिंबल्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हो गया, और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। तो ये आपका जो सिलेबस रहने वाला है, ये आपका पूरा पांच सेक्शन में रहने वाला है, जिसमें कि लैंग्वेज में आपको कोई एक लेना होगा, बाकी जो चार है वो सभी के लिए कंपलसरी है, सभी चीजें आपको पढ़ के अच्छे से जानी होगी। तो ये ओवरऑल आपका सीयूईटी पीजी का सिलेबस रहने वाला है, इसको आप एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट भी आप लोग अपने पास रखिएगा, क्योंकि यही जो सिलेबस है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, जो भी आपको पढ़ाई करना है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही पूरा तैयारी करना होगा। ये पूरा सेक्शन वाइज देखिए सिलेबस देख लीजिएगा, और हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, वो सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। चलिए तो वो भी हम लिख के लाए आपको यहाँ पे बताने के लिए, कंपैरिजन भी हमने किया यहाँ पे कि किस साल में कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए सीयूईटी पीजी की अगर बात किया जाए 2023 के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 120 मिनट का टाइम मिलता था, यानी 2 घंटे का टाइम वहां पे मिलता था। तो वहां पे जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज से लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वहां पे क्या था, लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। क्वांट यानी मैथ से आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के 15 क्वेश्चन के आसपास थे, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन थे। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 2024 के अंदर क्या था इसका पेपर पैटर्न, तो 2023 के अंदर देखिए आपको 16 क्वेश्चंस किससे देखने को मिला था, लैंग्वेज से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 15 से 16 क्वेश्चंस थे। क्वांट और मैथ्स की अगर बात करें 10 क्वेश्चंस मैथ्स से देखने को मिले थे, करंट अफेयर जीके जीएस और इससे आपका देखने को मिला था 25 क्वेश्चंस के आसपास, 25 से 28 क्वेश्चंस थे वहां पे, रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस देखने को मिला था और कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चंस मिला था। तो अगर आप यहां से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे हो कि जो मैंने पांच सेक्शन आपको बताया, लैंग्वेज, जीके जीएस आपको हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और मैथ्स हो गया, यहां से कोई भी वेटेज फिक्स नहीं है कि यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। यहां पे पिछले वर्ष 2023 में 10 क्वेश्चन पूछा था, वहीं अब क्या करना कर दिया, 17 क्वेश्चन पूछ दिया। यहां पे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछा था, उसको कम करके 12 क्वेश्चन कर दिया। जीके जीएस का लगभग देखिए 15 क्वेश्चन था यहां पे, उसको बढ़ा के 25 क्वेश्चन कर दिया। मैथ्स का 22 क्वेश्चन था, उसको कम करके 10 क्वेश्चन कर दिया। लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन था, यहाँ पे 16 क्वेश्चन कर दिया। तो आप इससे ये एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी ऑफिशियल सिलेबस है ये पूरा आपको तैयार करना होगा, प्रॉपर जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं उनको तैयार करना होगा, उनके सारे एमसीक्यूज को देखना होगा और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करके ही जाना होगा। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही होने वाला है, तो आपके पास 5 महीनों का पूरा टाइम है। इन 5 महीने के अंदर आप अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू को भी सॉल्व करिए। और अगर आप कंप्लीट फुल फ्लेज एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूंगा। इस बैच के अंदर देखिए हम लोग क्या कराने वाले हैं, हमारा जो प्रॉपर तैयारी करने के लिए आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, प्रवेश बैच है जिसके अंदर हम लोग एलएलबी की भी क्लासेस पूरी चला रहे हैं, जिसके अंदर देखिए क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस थ्रू, ठीक है। जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन ही होने वाली है, यानी लाइव क्लास होगी। यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर आपको पूरा शेड्यूल और रोड मैप दे दिया जाएगा कि कब आपकी कौन सी क्लास चलने वाली है, साथ ही साथ वहां पे आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे मैंने आपको 5 सेक्शन बताया वैसे लैंग्वेज की चलेंगी आपकी क्लासेस, कंप्यूटर की चलेंगी, मतलब सारे सेक्शन की क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। और वहां पे आपको जैसे ही क्लास टॉपिक खत्म होता है आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दिया जाएगा वहां पे, ठीक है।
और साथ ही साथ जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चलने वाली है, और जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, जो भी आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है। तीसरा जो अगर पॉइंट बात करते हैं, लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा। हालांकि जब लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं तो जो भी बच्चों के डाउट होते हैं वो क्या करेंगे, हम लोग 1-to-1 उस क्लास के अंदर ही डिस्कशन कर लेते हैं। फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा वीकली बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, सपोज करिए आपने मैथ्स में पार्टनरशिप पढ़ लिया, तो वहां पे उस चीज का क्या होगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसी चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा सेक्शनल, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 75 क्वेश्चन है और टॉपिक इतना ज्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, टॉपिक पढ़ के उसको टेस्ट देके अच्छे से ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करके एंट्रेंस एग्जाम में जाना है। क्योंकि वहां पे देखिए एक चीज मैं और अभी बताने वाला हूं, LLB एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस रहने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे तो SSC वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा इस फॉर्म को फिल करते हैं, और उनकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, वो रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, GK GS पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो उन लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर को क्या करेंगे अच्छे से तैयार करके वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं आपके साथ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, और उसके लिए आपको टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट होगा, इसके अंदर हम लोग PYQ को भी मेंशन करेंगे, 2022 का, 2023 का, 2024 का, जो भी PYQ है और उस टॉपिक का अगर होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला फुल लेंथ टेस्ट, यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, 5 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा सेम CUET PG LLB एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न पे, 75 क्वेश्चन वहां पे रहने वाले हैं आपको, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसा इंटरफेस CUET PG एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वैसा इंटरफेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि CUET PG एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होने वाला है वो ऑनलाइन ही मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुआ था और इस बार भी ऑनलाइन होने के पूरे चांसेस है। तो वहां पे भी क्या होगा, हम लोग ऑनलाइन बेस पे ये पूरा टेस्ट आपको कराएंगे, 5 ये फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्लास के नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको रिविजन के तरह इसको यूज भी कर सकते हैं, क्लास के जितने भी नोट्स होंगे। ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, जितने भी हमारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे उन सभी का नंबर आपके पास रहेगा, आप उनसे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें हैं। जो कोर्स हमारा रहने वाला है वो हमारा 4 महीने का रहने वाला है। ठीक है, 4 महीने का हमारा ये कोर्स रहने वाला है। 4 महीने के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट करा देंगे यहाँ पे। अब 4 महीने में कोर्स कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिर छोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको प्रैक्टिस सीट, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट हो गया, आपको रिवीजन के लिए शीट्स होंगे, आपको जो क्रैश कोर्स है उसका भी एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, वहां पे शॉर्ट रिवीजन कराया जाएगा ताकि आप अच्छे से एक बार फुल कोर्स पढ़ लीजिए, फिर आप क्रैश कोर्स में भी जुड़ के यहाँ पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, उसमें भी आपको विदाउट कोई कॉस्ट वहां पे जोड़ दिया जाएगा। अगर आप मेन कोर्स के अगर पार्ट हैं तो आपको वहां पे भी बेनिफिट मिलने वाला है, यानी आप 2 बार पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, टेस्ट भी दे लेंगे, इससे क्या होगा आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है पूरा एंट्रेंस एग्जाम तक पूरा रहने वाला है, और इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाके देखिएगा, DNS एजुकेयर ऐप आपको मिल जाएगा, और इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे भी मैं डलवा दे रहा हूं, आप वहां से भी जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स के साथ इनरोल होके अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको रीजन ये भी बताया था कि यहाँ पे SSC या गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे हैं वो एज अ सेफ्टी के पर्पज से क्या कर सकते हैं, एज अ बैकअप के तरीके से LLB कोर्स को परस्यू कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो सिलेबस रहने वाला है वो लगभग सिमिलर रहने वाला है, तो कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं मेंशन किया गया है, इस रीजन से भी क्या होता है यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी कोर्स की फीस है वो 1999 है, और इसमें ये चीज आप यूज कभी कर सकते हैं, ये कुछ टाइम के लिए वैलिड है। DNS 10 अगर आपने यूज करा तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको इस कोर्स के अंदर 200 रुपए का ऑफ अभी मिल जाएगा इंस्टेंट। ठीक है, तो फटाफट से आप इस कोर्स के साथ एनरोल होकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, वो जितने भी उसमें कैसे स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या रोडमैप रहने वाला है, इंट्रोडक्शन क्लास आपका, सिलेबस, वो सब कुछ वहां पे डिटेल में एकदम बताया जाएगा। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इस बैच में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने विशेष ध्यान ये दिया है कि जो हमारी क्लास ऑफ मीडियम रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, जो भी हमारा टेस्ट बनेगा वो बाइलिंगुअल बनेगा, जो भी सेक्शनल टेस्ट होगा वो भी बाइलिंगुअल होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ध्यान रखा है। और ये 2 चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चैप्टर वाइज टेस्ट और क्या आपका फुल लेंथ टेस्ट, ये आपको एक अच्छा रैंक के साथ सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करने वाला है, तो इसलिए आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, जैसे DU का हो गया, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना
क्वेश्चन हमें करके जाना होगा। नेगेटिव मार्किंग क्या रही, कितने कॉलेज में सीट्स है, फीस है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसलिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। बीएचयू में कितनी सीट्स है, कौन कौन से अफिलिएट कॉलेज है, कितनी उसकी फीस रहने वाली है, कैसी पढ़ाई होती है, कितना कट ऑफ गया था, ये सब कुछ हम आने वाले टाइम में वीडियोज में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पर बने रहिएगा, सारी डिटेल हम लोग वहां पर देंगे। और साथ ही साथ PYQ भी हम लोग बहुत जल्द सॉल्यूशन कराने वाले हैं आपको इसी चैनल के अंदर, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट लॉस के नाम से बनाया जाएगा, उसको भी आप लोग जरूर अच्छे से फॉलो करते रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।